केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कलयुगी बेटे इम्तियाज अहमद ने अपने ही पिता मुमताज अहमद की संपत्ति विवाद को लेकर हत्या कर दी। घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर ए स्ट्रीट 3 की आवास संख्या 501 में घटित हुई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बेटे इम्तियाज अहमद द्वारा BSL रिटायर कर्मी पिता मुमताज अहमद से चेकबुक और पैसा मांगने पर विवाद बढ़ा और बेटे ने पिता को मच्छरदानी के बेट से मार मार कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने गई अपनी मां को भी इम्तियाज ने मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इस हत्या के विवाद में मृतक की पत्नी बीच शहजादी बेगम बेटे से मिन्नतें करती रही कि उसके अब्बा हैं, इस तरह नहीं मारो, लेकिन इम्तियाज के सर दौलत का भूत सवार था जिसने बेरहमी से पिता की हत्या कर दी। घटना की खबर पर पहुंची हरला पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। वहीं घायल शहजादी बेगम को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी शहजादी बेगम ने हरला थाना में हत्या आरोपी बेटा इम्तियाज अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बोकारो से चुनामन ठाकुर की रिपोर्ट। इम्तियाज है वो अपने पिताजी मुमताज जी का हत्या कर दिया है रड और लकड़ी के डंडा से मार करके। इम्तियाज तो पकड़ा गया है और उसके पिताजी जो मुमताज हैं जो मरे हुए हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे हैं। आगे का कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है किस वजह कुछ वजह क्या कहा जाएगा? जैसा बता रही है उसकी पत्नी को भी चोट लगा हुआ है। मैंने इम्तियाज की माँ को भी मारा है। सर में उनका भी गंभीर जख्म है। तो वजह कुछ घरेलू भी बात था, बात स्टार्ट हुई थी कि हमारे पिताजी कोई कागज चुरा लिए हैं, उसी पर बाप बेटा में बगझक हुआ। बगझक के बाद वो घर में पड़े हुए मूसल जो है लोहा का खल वाला मूसल से और लकड़ी से मारने लगा, उसी में उनका हत्या हो गया। उसके बाद इम्तियाज यहाँ से रात में कहीं निकल गया था तो हमारा प्रोफेशनल लोग जो टाइगर मोबाइल में थे वो लोग देखे कि ब्लड लगा हुआ व्यक्ति जा रहा है, संदेह हुआ, उसे रोक करके पूछताछ किया। उसी जांच के क्रम में ज्ञात हुआ जो पिताजी को हत्या कर दिया और माँ उसकी गंभीर रूप से जख्मी है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कांड दर्ज करके अनुसंधान आगे कर रही है। क्या हुआ था, क्यों भी चेक मांग रहा था? क्या चीज से हमला किया पति के ऊपर? क्या चीज से मारा था? पलंगी से। और क्या था? लाठी से। आपको भी पलंग के इति से पलंग के डंडियां नहीं लगता मच्छरदानी के वही से। आपको चोट कैसे लगा? हमरा के मरलो के इति से लाठी से हमरे को मरलो लाठी से हम फाट गए थे सब। क्या नाम हुआ आपका? शहजादी बेगम।